आप भी बोलने दो। माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली की कानून और व्यवस्था और नजदीक के भूतकाल में हुए कम्युनल रायट्स पर इस सदन ने एक लंबी चर्चा करी। कांग्रेस पक्ष के सदन के नेता श्री अधीररंजन चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री बालू जी, श्रीमान स्वागत राय जी, वी गीता विश्वनाथन जी, विनायक राउत जी, संजय राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकिन मिश्र जी, रितेश पांडे जी, शकीरुल बर्क जी, अमोल कोल्हे जी, संजय जायसवाल जी, श्री कुट्टी जी, श्री एएम आरिफ जी, जयदेव जी, मसूदी साहब, आरके राजू जी, सुब्बारायण जी, थॉमस जी, भगवंत मान, श्री ओवैसी जी, नलिन कटील, श्री विजय जी, श्रीमान प्रेमचंदन जी और अंत में युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने अपने विचार रखे। बाय एंड लार्ज सदन के सभी सदस्यों ने ये दुर्भाग्यपूर्ण रायट्स के लिए जानकारी भी जानना चाहिए। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में इसके लिए दुख भी व्यक्त किया है, चिंता भी व्यक्त की है और आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी सबसे वक्तव्य से कॉमन निकल कर आ रही है। कहीं कहीं राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ है और कहीं कहीं एक जाति एक धर्म विशेष के लिए भी चिंता व्यक्त की गई है। परंतु सबसे पहले मैं महान सदन के सामने इस रायट के अंदर जिन लोगों की जान गई है वो सबसे लिए सबके लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं। उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और जिनका शरीर का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, जिनकी डैमेज हुई है, ये सभी के प्रति मैं आश्वासन व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय, कुछ चीजें ऐसी हैं शायद मैं आज की चर्चा में बोलना नहीं चाहता, परंतु विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने इस रायट्स को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पेंट किया जा रहा है और आज भी सदन में जिस प्रकार से इसको रखने का प्रयास हुआ है, मैं बड़े संयम के साथ इसकी स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा क्योंकि सदन के सारे सदस्यों के माध्यम से इस पच्चीस तारीख रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना रायटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय रंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता है।
और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे, यहां के भाषणों के कारण या तो मीडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को सब मैं इनके भाषण माने माने प्लीज प्लीज मैं अधीरंजन जी को ये कहना चाहता हूं, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता। मैं चर्चा क्यों, अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीरंजन जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे, परंतु सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, खैर अपनी अपनी पार्टी का एक अपना अपना स्टैंड होता है। सदन चलने नहीं की ये बात सही है। भाई साहब माने प्लीज प्लीज माने प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है, मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए, सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने और सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी ये चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूं, अधीरंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कॉम्युनल रायट की घटना नहीं। अरे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व तो है इस सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, कड़ी निगरानी रखे और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए, सदन के बाहर भी उठाए। मैं ये अधिकार से कोई आपत्ति नहीं करता, परंतु जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे बढ़ भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर ढंग से चीजों को सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमने वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए 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 ना, उस मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, मेरी बात तो आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि माननीयवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा, परंतु ये हिंसा माननीयवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 थानों तक हिंसा रुकी रही।
मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा समय सारणी, मान्यवर लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये रायट चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं, मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है। मान्यवर स्वीकारना पड़ेगा, ये मान्यवर स्वीकारना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा माननीय प्लीज मैडम, नहीं माननीय सदस्य एक मिनट, गृह मंत्री एक मिनट, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, माननीय प्लीज बैठिए। जब सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दिया गया था, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, हम सबको भी उनका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा दादा, मैं आपको देखकर ही पहले कह सकते, मैं अभी नहीं पूछ सकते आप। मान्यवर मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सबको सुना है, मैंने सबको धैर्य से सुना है, कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी पक्ष के सदस्य कुछ टोका टोकी करते थे तो भी मैंने रोका। कृपया आप मुझे सुनिए, गंभीर चर्चा है। नो माननीय आप सदन के नेता हैं, प्लीज। मान्यवर श्रीमान स्वागत राय जी ने और काफी सारे सदस्यों ने मेरे बारे में भी सवाल उठाए, आपको मेरे बारे में सवाल उठने का अधिकार है और आप उठा सकते हो, परंतु तथ्यों के साथ तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। मान्यवर श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था और मैं अगले दिन गया, उस वक्त कोई घटना नहीं थी। और मान्यवर मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल बाजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहां आया। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर एक कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो इसकी सब। मान्यवर 24 तारीख की शाम को 7 बजे ही आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मान्यवर 24 तारीख की शाम को 7 बजे, 25 की सुबह 8 बजे, 25 की दोपहर सर्वदलीय बैठक के अंदर जिसमें कांग्रेस आप पार्टी सब थे, 25 की शाम को 6:30 बजे तक ये सारी रिव्यू मीटिंग मेरी अध्यक्षता में हुई। मैंने ही एनएसए का सवाल उठाया। मैं ये पूरे सदन के माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूं, जब दंगे होते हैं
तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजीत डोभाल को विनंती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, और मेरी ही विनंती पर वो वहां गए। दूसरी बात, मान्यवर मैं क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने से पुलिस मेरे पीछे लगती। पुलिस का काम उस वक्त दंगे को शांत करना था। मान्यवर मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि तुरंत ही स्पेशल सीपी अपॉइंट करे गए, सारी 26 तारीख को भी व्यवस्था करी, 27 को भी करी, और 25 तारीख रात से पूरी चीज कंट्रोल में आना शुरू हुई। इमीडिएट इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ है और आगे की कार्यवाही शुरू हुई। दंगे इतने जल्द इतने कैसे फैल गए, ये बात सही है। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मान्यवर आपराधिक तत्वों का भी वहां पर काफी समय से एक पुराना इतिहास रहा है, और ये यूपी की बॉर्डर से भी सटा हुआ क्षेत्र है। मैं यूपी की बॉर्डर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा, परंतु मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा सीआरपीएफ भेजनी चाहिए थी, हजारों की संख्या भेजनी चाहिए थी। कोई सदस्य सुझाव कर सकता है क्योंकि उनके पास शायद इन्फॉर्मेशन न हो, मेरा भी दायित्व है कि पूरी इन्फॉर्मेशन से मैं उनको अवगत कराऊं, इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूं। हजारों की संख्या में भेज देना चाहिए था, देरी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। मान्यवर 22 तारीख को और 23 तारीख को 17 कंपनी दिल्ली पुलिस की, 13 कंपनी सीएपीएफ की, कुल 30 कंपनी एक क्षेत्र में पहले से ही वातावरण को देखते हुए हमने रखी थी। बाद में मैं आता हूं वातावरण क्यों ऐसा हुआ। 24 तारीख को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनियां भेजी, 25 तारीख को और 50 कंपनी भेजी, और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनियां वहां पर तैनात है, आज तक तैनात है। स्ट्राइकिंग फोर्स भी बनाए गए हैं, वृद्ध साधन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, वाटर कैनन के भी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाए गए हैं, और मुस्तैदी से गुनहगारों को पकड़ने की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, क्या करी है, कितने पकड़े गए। मान्यवर 25 तारीख की रात से 26 एक एहतियात के तौर पर हमने दंगा और न बढ़ के इसके लिए राह देखी। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है, 700 एफआईआर हमने दर्ज की। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है, और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। टोटल 2647 लोग अभी कह रहे थे 1100 एक कम्युनिटी के पकड़े गए, तो 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर एनालिसिस हो रहा है। हमने एडवर्टाइज देकर समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडियाजनों से डिटेल मांगा है कि भाई आपके पास कोई भी फुटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ईमेल एड्रेस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं, और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है मान्यवर, जो वीडियो किसी नागरिक ने देखा है। ये कह रहे हैं क्या किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा
हालांकि एक ही कॉमेंट्रेट के लिए किया कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब, ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत के देखता है और चेहरा और कृत के देखकर उसको पकड़ा जाए। 1100 से ज्यादा मान्यवर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। क्योंकि अब मुझे बोलने दो ना। और 24 तारीख को मान्यवर, 24 तारीख की रात को 10 बजे यूपी की बॉर्डर सील कर दी गई थी। सबसे पहला काम यूपी की बॉर्डर सील करने का करा था। उसके बाद भी 300 आप वकील मत बनो इनके। मानिए सदन में सुनकर जाओ पूरी बात। बोलिए बारे कब चट्टी शुरू से पहले हुई है, रिकॉर्ड से बोलिए बोलिए। मान्यवर, they did not allow the house to function on the same issue and now honorable home minister is replying they are walking out, they do not want to listen because they do not have the courage to listen what is the fact and how it was controlled. This is the hypocrisy of the Congress party. main mananiya sadasya agrah karunga कि आप जिस विषय पर चर्चा मांग रहे थे उसमें माननीय गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, आप सदन में पूरी बात को सुनकर जाएं। माननीय गृहमंत्री जी, ये सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये परंपरा उचित नहीं है। इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए जो जो सरकार को कोसना है वो सब बातें कहना, वो उनका अधिकार है। और जब सम्माननीय गृहमंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभात्याग करके चले जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। इसका विरोध करना चाहिए। जब आप बात कहते हो तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, ये लोकतंत्र का सही अर्थ में स्पिरिट है। ये बात ठीक नहीं है। कभी ना कभी आपने भी इसका कॉन्फिडेंस लेके इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दादा, मैं बोल रहा हूँ। मान्यवर, मैंने कहा फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है। मान्यवर, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल। और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम एक पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। साक्ष्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बयान भी वीडियोग्राफी के सामने दर्ज कर रहे हैं। पूरी चिंता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को कहीं पर भी कोई तकलीफ न हो। मान्यवर, 2 एसआईटी की टीमें बनाई हैं जो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों की अध्यक्षता में बनी है, जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के
गुनाहों की जांच करेगी। माननीय 49 आर्म्स एक्ट के केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, 49 से ज्यादा, और लगभग 152 आर्म्स भी इतने कम समय में रिकवर करे हैं जो दंगे के अंदर उपयोग में आए। माननीय इन्होंने कहा शांति समिति की मीटिंगें बुलानी चाहिए, शांति समिति का गठन होना चाहिए। शांति समिति का मीटिंग 25 तारीख को शाम को 4 बजे से हमने शुरू कर दिया था और अब तक 650 से ज्यादा शांति समिति की मीटिंग तीनों हिंदू सिख मुसलमान पारसी ईसाई सभी कम्युनिटी के लोगों की हम कर चुके हैं। ये 40 टीमों का जो गठन किया है माननीय, इसके अलावे एक हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो। इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है माननीय, इस पर मैं बाद में आऊंगा। माननीय हमने दिल्ली के अंदर फरवरी के बाद जनवरी के बाद कितनी राशि हवाला से आई है, बाहर से आई है, ऐसी कामों में लिप्त संस्थाओं की ओर से आई है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने सरकारी एजेंसियों के साथ खंगाला है। हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्योंकि अभी प्रीमेच्योर है मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि इनमें से 3 लोग जो दिल्ली दंगों का फाइनेंस करने वाले थे उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है और उनके पास से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसकी जांच आगे जाएगी। माननीय आईएस से जुड़े हुए 3 व्यक्तियों की दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी है, एक को हिरासत में लिया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश से आए हुए फुटेजों को गलत तरीके से लोगों के बीच में ले जाते थे, और दंगों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण मामले हैं, उसको एक वरिष्ठ अधिकारियों की और टीम बनाकर माननीय हम जांच कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को और सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को विशेषकर और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं माननीय सारी जांच जो हो रही वो सारी जांच वैज्ञानिक आधारों पर हो रही, कोई हियर से पर नहीं कर रही। हमने पूरी चिंता करी और मैं खुद मीटिंग के अंदर रिव्यू करे हैं पूरी जांच की प्रक्रिया का, कहीं पर भी किसी निर्दोष को लिया न जाए। हो सकता है पूछताछ के लिए किसी को बुलाए, मगर जहां तक अरेस्ट का सवाल है अरेस्ट उसी की होगी जिसके खिलाफ स्टॉन्च सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, और वो सबूत पुलिस पहले जांचेगी, सीनियर अफसर जांचेगा, तभी जाकर करेंगे। इसलिए ओएसी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मैं ये दंगों के पृष्ठभूमि में भी जरूर जाना चाहूंगा। माननीय ये दंगों की पृष्ठभूमि क्या है, जब से इस सदन ने, और ये सदन कोई एक पार्टी का नहीं है माननीय, कोई एक दल का नहीं है, सभी दल के लोग बैठते हैं, और हमने आंध्र के विभाजन की तरह से ये बिल पास नहीं किया था, दरवाजा बंद कर टिंगा टोली कर सांसदों को बाहर फेंक देकर, इस प्रकार से हमने ये बिल पास नहीं किया था। हमने पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कर धैर्यपूर्वक मैंने सबको सुना है, जिनको सुना है इसके जवाब भी दिया है, और उसके बाद मतदान कर इस महान संस्था के दोनों सदनों ने सीएए के बिल को पारित किया। अब सीएए के बिल को लेकर इस सदन में पूरी स्पष्टता होगी, पूरे देश भर के अंदर गुमराह करने का प्रयास, युवाओं को गुमराह करे, माइनॉरिटी को गुमराह करे कि माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई कौन सा क्लॉज है सीए का, मुझे बताइए जरा, आज भी बताइए कौन सा क्लॉज है जो किसी की भी नागरिकता, मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता लेने का किस क्लॉज से हमें शक्ति प्राप्त होता है? सीएए के अंदर नागरिकता लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं, पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान, परंतु माननीय अलग अलग प्रकार से काफी चीजें फैलाई गई। ये कह रहे हैं कि अब जब तक
मैं उसका भी कहता हूं, मैं वो भी कहता हूं। मान्यवर, मैं आज भी पूरे सदन को कहना चाहता हूं और विशेषकर दादा जैसे अभ्यासु लोगों को, मेरी चैंबर में आइए और मैं सब चीजों का जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं, बधा हुआ हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। दादा, ये जो शरणार्थी आए हैं, मान्यवर, ये जो शरणार्थी आए आजादी के बाद अब तक वीजा और नागरिकता के बारे में 27 जगह पे धर्म का उल्लेख हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है और कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं पूरा रिकॉर्ड भी लाऊंगा, सदन के सामने एक अलग चर्चा में विषय भी लेकर आऊंगा। और एक बात आई कि कोई कानून ऐसा नहीं जो धर्म के आधार पर हो, 25 कानून तो मैं जानता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है साहब, क्या है? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है। कैसे आप कह सकते हो तो धर्म के आधार पर पहली बार कानून बना? 25 कानून मैं बता सकता हूं और मान्यवर कहे तो मैं सदन के रिकॉर्ड पर भी रख दू। हाँ, तो मैं कल रखूंगा रिकॉर्ड पर, ढेर सारे कानून है, मगर बाद में बोलना बंद कर दीजिएगा। कानून तो मैं वहां से लाऊंगा। मान्यवर, एक बात नहीं, सिटीजनशिप की बात नहीं, मैं मान्यवर सर भी मंत्री को बुलाया, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मान्यवर, आपके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बात ऐसी आई कि सीए के विरोध करने वाले शांति से बैठे थे, सीए के पक्ष में जब लोग निकलना शुरू हुए दंगे हो गए। क्या, कहां रहते हो दादा? मैं बताता हूं, ये 24 फरवरी के पहले सीए के विरोध से ज्यादा सीए के समर्थन के लिए रैलियां देश भर में निकली है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी निकली। मगर हम कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। देश भर में रैलियां निकली है, लाख लाख की निकली है, 27 से ज्यादा रैलियों में मैं स्वयं गया हूं और कहीं पर भी और साहब दानिश जी, मैं आप पर भी आता हूं, जरा धैर्य रखें। मान्यवर, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो सीए वाले लोग निकले इसलिए हुआ, ढेर सारे निकले थे, अब क्यों हुआ इस पर मैं आना चाहता हूं। मैडम, ये समझने जैसी बात है, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एंटी सीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए, जिस हेट स्पीच का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो पुलिस जांच करिए, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को, दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है, ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है,
क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच दी। मान्यवर उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020 तारीख को दंगे होते हैं। 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ हैं, मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। मान्यवर 24 को दंगा हो, सुनिए ना, सुनिए सुनिए ना, बयान वापिस लेने से क्या है साहब? एक 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 सर बैठ जाइए, बैठ जाइए। मान्यवर बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। 19 फरवरी को ये बयान आया, 24 को दंगे होते। मान्यवर, और मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। मान्यवर, एक भाषण वो भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जांच करेगी, परंतु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है। 19 तारीख को 22 तारीख को होते हैं जिसके बाद दंगे हो जाते हैं, वो हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है। हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कॉम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करें, ये मेरा सबसे कहना है। इन्होंने कहा मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि ये षड्यंत्र है। मान्यवर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए, 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर, 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ कर निकालेंगे। ये जो कठोर कार्यवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है। मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर, पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। हम इसकी तह तक जाएंगे, इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया, सोशल मीडिया से भड़काया गया, उसके खिलाफ 14 दिसंबर 17 फरवरी 19 फरवरी 22 फरवरी गंदे भाषण किए गए और ट्रंप आए तभी करो इस तरह से उकसाया गया। मैं मान रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुलिस अभी ढूंढ रही है कि इसके पीछे क्या हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली, मुझे भी भयंकर दुख है, वेदना भी है, किसी की काले पसीने की घाड़े पसीने की कमाई दंगों में जलकर राख हो जाए। मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख लिए हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकान जलाई है, जिन्होंने व्हीकल जलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां जलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति कर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये मैंने बैठ जाए बालू जी, मैं बता दू, आपने शायद वो ट्रांसलेशन नहीं लगाया है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए। ये पुलिस नहीं करने वाली है, हाईकोर्ट के जज ही करने वाले हैं। तो आपको आश्वस्ति के लिए मैं कह रहा हूं, हमने ऐसा ही पत्र लिखा है और आज रजिस्ट्रार ने पत्र दिल्ली के चीफ जस्टिस आपके सामने मान्यवर दे दिया है। मान्यवर, मैं अभी
अपने बर्क साहब कहते थे कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने दुकानें हिंदुओं की जली, कितनी दुकानें मुसलमानों की जली, कितने घर जले, मनोर में आंकड़ा जरूर देता है। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। इस सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? इस प्रकार से दंगों की चर्चा में इस प्रकार से आंकड़े मांगे जाते हैं? नहीं, छोड़ नहीं देता हूं मैं, आंकड़े तो देता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करता। और ओवैसी जी ने बे जनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले, जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को। परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती, साथ सदन की शोभा बढ़ती। और एक वाक्य शुरू में बोले, बाद में सारे नाम आप, मैंने ध्यान से सुना है। और कम से कम आप वारिस भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाता। मान्यवर, मान्यवर, दंगों का इतिहास मान्यवर, मान्यवर, मान्यवर वो कह रहे थे कि हमारे समय में दंगे होते हैं, काफी सदस्यों ने चीजें रिकॉर्ड पर रखी, मैं तह में जाना नहीं चाहता, परंतु एक आंकड़ा जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में दंगों में मारे गए लोगों में 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए। 76%। आपको कोई अधिकार नहीं दंगों के लिए बात करने का। मान्यवर मुझे कह रहे कि आप, गृहमंत्री ने शांति की अपील नहीं की, मैंने की भी है, मगर नहीं भी की होती, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़ा दरख्त गिर जाता है तो धरती हिल जाती है। 3000 सिख भाई रातों रात जला दिए गए, काट दिए गए, क्या हुआ, जांच क्या करी आपने? हम तो बताएंगे जांच क्या करी है, बताया भी है, सबको पकड़ा है, पहले भी पकड़ा है जहां जहां हमारे शासन में, क्या किया? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पकड़ा नहीं गया, नरेंद्र मोदी के शासन में पकड़ने की शुरुआत। 84 से लेकर 2014 तक नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं है दादा, मेरा आशय मैं बताता हूं, मेरा आशय बताता हूं दादा, दादा मैं इसलिए मान्यवर मैं इसलिए बताता हूं, दादा थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, मैं इसलिए बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि दंगे हमारे समय में, मैं उनको याद कराना चाहता हूं, और वो सुनने के लिए बैठे ने उनको मालूम था कि उनके अध्यक्षता का भी भाषण आएगा, सिख दंगे भी आएंगे, सिख राइट्स भी आएंगे। मान्यवर मैं इसमें अंदर जाना नहीं चाहता, वरना ढेर सारी चीजें हैं मेरे पास, ढेर सारी चीजें हैं, नहीं नहीं बोलना है भाई, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76% लोग चले मारे गए और हमने इतने कैजुअली राइट्स को नहीं लिया। 3000 सिख भाई बहन जला दिए गए और आप कहते हो कि दरख गिरता है तो जमीन हिलती, किसी को जान दो, मान्यवर, मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगा
किसी को अच्छा नहीं लगता है। दंगे किसी भी शासन में होने नहीं चाहिए, मगर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये अटेम्प्ट हुआ है, ऐसा मेरा प्राइमा फेसी मानना है। पुलिस के पास काफी पुख्ता सबूत भी आए, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मैं दिल्ली के हरेक दंगे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को दुख तो व्यक्त करता हूं, मगर उनको आश्वस्त भी करता हूं कि आपके परिवारजनों की जिन्होंने जान ली है वो कोई बक्सा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई बक्सा नहीं। और ये दंगे पूरे देश के लिए एक सबक बने कि दंगा करने वालों को कैसा अंजाम होता है। इतनी कठोरता के साथ दिल्ली पुलिस कार्यवाही करेगी, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। बैठ जाइए, मैं बता। जो बसपा के सांसद महोदय कह रहे हैं कि पुलिस पत्थरबाजी कर रही थी, एक बार ओवैसी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस वीडियो की पूरी जांच कर ली है। 300 मीटर दूर थे, टीयर गैस चला रहे थे, मगर जब पत्थर चारों ओर से आ गए, वो गंगाइयों को भगाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, गोली नहीं चला रहे थे। और दंगाइयों के साथ नहीं थे भाई, पूरा इसका अरे पूरा वैज्ञानिक एनालिसिस हो गया है, कोई सवाल ही नहीं है। और मान्यवर ये जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, लगभग 5000 से ज्यादा टीयर गैस के सेल छोड़े गए हैं, 400 से ज्यादा आंकड़े मेरे अंदर है, 400 से ज्यादा गोली चलाई गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है, परंतु दोनों ओर संयम से काम लेकर पुलिस ने इसको 36 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया है। इतनी डेंस पॉपुलेशन वाली जगह पे 36 घंटे के अंदर रायट्स दबा देना, और दिल्ली जहां पर हर जिले के अंदर हर वार्ड के अंदर मिक्स कम्युनिटी रहती है, वहां रायट्स को स्प्रेड न होने देना, वो दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता थी। माननीय मैं फिर से जिन्होंने भी दंगा किया है वो सभी के प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही का देश की जनता को आश्वासन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की सभा की कार्रवाई वीरवार दिनांक 12 मार्च